नमस्कार किसान भाइयों, आपका हमारे इस YouTube चैनल किसान टेक पर स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले कंपैरिजन बायर के आभेरण का कंपैरिजन UPL के उलाला से है कि दोनों में कौन सा कीटनाशक सबसे ज़्यादा इफेक्टिव है। तो स्वागत है दोस्तों आपका एक और डिटेल वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में लगी बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए ताकि आपको खेती से जुड़ी जानकारी की खबर मिलती रहेगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बायर के आभेरण के बारे में। तो बात करते हैं आभेरण के टेक्निकल के बारे में। तो इसमें जो टेक्निकल है स्पायरोमेसिपिन 240% SC यानी यह कीटनाशक लिक्विड गाढ़े फॉर्म में आता है। तो बात कर लेते हैं बायर के आभेरण का इस्तेमाल कौन कौन सी फसल में कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से चना, गेहूँ, धान, कपास, सोयाबीन, हरी सब्जियों में मिर्च, टमाटर, बैंगन, भिंडी, गवार, करेला, ककड़ी, लौकी, शिमला मिर्च और आदि फसलों पर इसका स्प्रे कर सकते हैं। इसके साथ ही आप इसका यूज़ सभी फूल वर्गीय, दाल वर्गीय फसलों पर कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं आभेरण कौन कौन से इंसेक्ट को कंट्रोल करता है। तो ये सफ़ेद मक्खी और मकड़ी के जो बच्चे होते हैं जिन्हें न्यूज कहा जाता है उनको आसानी से कंट्रोल कर लेता है। अब बात कर लेते हैं आभेरण के डोज के बारे में। तो आपको 15 लीटर पानी में 6 से 7 ml स्प्रे करना है। आभेरण की कीमत की बात करें तो आपको 50 ml का पैक 350 से 400 रुपये के लगभग आता है। सावधानी ये है कि जब भी आप आभेरण का छिड़काव करें तो आपको टंके में और कोई सा भी केमिकल नहीं मिलाना है, ना ही कोई कीटनाशक और ना ही कोई टानिक, क्योंकि अगर आप टंकी में और कोई अन्य दवाई मिलाते हैं तो उससे आभेरण का असर कम हो जाता है। इसके अलावा जब भी आभेरण का छिड़काव करें तो टंकी में सिलिकॉन बेस चिपों को जरूर डालें, उससे आभेरण का असर बढ़ जाता है। रिजल्ट समय की बात करें तो आपको 15 से 20 दिनों के आसपास रिजल्ट देखने को मिलता है। और आभेरण में जो टेक्निकल आता है यानी स्पायरोमेसिपिन, इसका पेटेंट सिर्फ बायर कंपनी के पास ही है, इसलिए ये टेक्निकल आपको दूसरी कंपनी का नहीं मिलेगा। अब बात कर लेते हैं UPL का उलाला इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो इसका जो व्यापारिक नाम चलता है उलाला इंसेक्टिसाइड चलता है। तो किसान भाइयों अब बात कर लेते हैं इसके कंटेंट के बारे में। तो फ्लोनिकामाइड 50% WP फॉर्म में आता है। तो बात कर लेते हैं उलाला इंसेक्टिसाइड को कौन कौन सी क्रॉप में स्प्रे कर सकते हैं। तो इसको आप रबी खरीफ की फसलों में और हरी सब्जियों में आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इंसेक्ट कंट्रोल की। तो यह मुख्य रूप से सभी प्रकार के रस चूसने वाले कीटों को नियंत्रित करता है, जैसे वाइट फ्लाई, एफिड, जासीड, लीप माइनर, हॉपर्स और A to Z इंसेक्ट को कंट्रोल करता है यानी रस चूसने वाले कीटों को। तो बात कर लेते हैं इसके डोज के बारे में। तो आपको 15 लीटर पानी में 5 से 6 ग्राम स्प्रे करना चाहिए और प्रति एकड़ के दर से 150 लीटर पानी में 50 से 60 ग्राम स्प्रे करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं उलाला इंसेक्टिसाइड के प्राइस के बारे में। तो आपको 30 ग्राम का पैक 280 रुपये के लगभग मिल जाएगा। कीमत थोड़ी कम ज़्यादा हो सकती है, आपके यहाँ कितने का मिल रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर रिजल्ट टाइम की बात करें तो आपको 15 से 18 दिनों के आसपास रिजल्ट देता है UPL का उलाला इंसेक्टिसाइड। तो अब सवाल ये आता है कि कौन सा कीटनाशक सबसे अच्छा है। तो दोनों ही कीटनाशक बढ़िया कीटनाशक है और कंट्रोल रिजल्ट दोनों कीटनाशकों का अच्छा है। तो आपके यहाँ मार्केट में जो मिल जाए वो आप खरीद सकते हैं और स्प्रे कर सकते हैं, या फिर अदल बदल कर इन दोनों का यूज आप कर सकते हैं। और आप जब भी स्प्रे करें तब टंकी में सिलिकॉन बेस चिपकों को ऐड करें, उससे रिजल्ट का टाइम पीरियड बढ़ जाता है। मेरे हिसाब से आपको बायर की आभेरण इंसेक्टिसाइड लेनी चाहिए। आपके हिसाब से कौन सी कीटनाशक बेस्ट रहेगी वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो किसान भाइयों कैसी लगी वीडियो? वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कोई समस्या या सुझाव तो कमेंट कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय किसान।